दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पनखा के बारे में तो जानते होंगे। शूर्पनखा रामायण की एक ऐसी पात्र थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बाद भी शूर्पनखा बची हुई थी। हालांकि शूर्पनखा का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिला। लेकिन इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पनखा ने अपने भाई रावण के मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पनखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पनखा के ही वंशज हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शूर्पनखा के कुछ ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी तरह का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेना को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद शूर्पनखा कहां गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने में नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पनखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम शूर्पनखा से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही सीता माता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए शूर्पनखा से कहती है, अगर आप चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकते हो। और फिर जब शूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी शूर्पनखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद शूर्पनखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी देती है कि अगर उन्हें शूर्पनखा से विवाह नहीं किया तो वे माता सीता को मार देंगी। इसके बाद जैसे ही शूर्पनखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पनखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पनखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है, उसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के अपमान को सुनकर क्रोधित हो जाता है और माता सीता की हरण कर लेता है। फिर भगवान राम रावण की मृत्युदंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसे ही लोगों के जहन में यह सवाल बना हुआ है कि उसके बाद भी शूर्पनखा का क्या हुआ। कई इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि शूर्पनखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी। जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी तो वह अपना चेहरा देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक काटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। शूर्पनखा की जब ये बात पता चला, भाई सारे प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया और वह वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पनखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या देखकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने की वजह वरदान में शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर भक्त भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू शिवलिंग पर गंगा छिड़क देता है तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसीलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। और दोस्तों, रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था वो आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम न हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, यह वही शिवलिंग है जिसने भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में स्थापित किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पनखा को सौंप दिया। उस समय शूर्पनखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर रखती थी और फिर शूर्पनखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पनखा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा ये गौर किया होगा कि वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं और इसके बाद वो बुरखा पहनते हैं। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती है और जब नाक कटने के बाद शूर्पनखा चेहरे के कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के मंकेश्वर महादेव
मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पनखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों बताया यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास सभी जगहों पर हिंदुओं के रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर भी शूर्पनखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं को भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा बुरखा पहनने की, और ये रिवाज शूर्पनखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पनखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म को अनुयायी मानते हैं और इसी वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। अब दोस्तों ये सारी बातें किनारे कर अगर इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना के अंदर जाना साफ तौर से मना है, और अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं को वहां से जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ध्यान दे तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पनखा के वंशज होना हकीकत हो सकती है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पनखा के ही वंशज है। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर देगी लेकिन शायद ये सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले धर्म सनातन धर्म ही है।